हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जीएसटी अवन से रिलेटेड एक छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट अपडेट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम आपको देंगे जीएसटी अवन से रिलेटेड टर्नओवर के इशू पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। फ्रेंड्स, जीएसटी अवन में प्रीसीडिंग ईयर का जो टर्नओवर डालने का झंझट था, अब वो हो चुका है खत्म। तो फ्रेंड्स, जीएसटी अवन में प्रीसीडिंग ईयर का जो टर्नओवर डालने का जो इशू था या झंझट था, वो क्या था और वो किस तरह से खत्म हो चुका है, आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इन्फो मीडिया, टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस, एजुकेशन, एक्सपर्ट नॉलेज एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड एक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में होगा कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए जब हम पहली बार जीएसटी वन की फाइलिंग कर रहे थे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो उस समय हमारे पास रिक्वायरमेंट थी इन दो फील्ड्स में एग्रीगेट टर्नओवर डालने की, जिसमें फर्स्ट फील्ड में डालना था एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और दूसरे फील्ड में डालना था एग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून 2017। इन दोनों फील्ड्स में एग्रीगेट टर्नओवर को जो फिल करना था, इसको लेकर जीएसटी टैक्स पेयर्स और जीएसटी रिटर्न फाइलर्स बहुत परेशान थे। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस या कंफ्यूजन्स थे इन दोनों फील्ड्स को लेकर। उनकी क्वेरीज थी कि क्या इन दोनों फील्ड्स में अमाउंट फिल करना मैंडेटरी है, और अगर मैंडेटरी है तो इन दोनों फील्ड्स में जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होगा कि इंक्लूडिंग टैक्सेस होगा, और एग्रीगेट टर्नओवर इस फील्ड में जो फिल करना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, वह पूरे फाइनेंशियल ईयर का होगा या फिर 1 जुलाई 2017 से जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ उस दिन से लेकर 31 मार्च तक का एग्रीगेट टर्नओवर होगा। और उनकी एक और क्वेरी थी कि एग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून 2017 का, उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जीएसटी वन की फाइलिंग के समय में दे दिया था, तो ये डिटेल फिर से क्यों मांगी जा रही है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और इन सभी क्वेश्चंस को लेकर उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं थी, बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि इन दोनों फील्ड में क्या अमाउंट भराएगा और उनसे कहीं गलती ना हो जाए। जैसे कि ये फील्ड्स मैंडेटरी फील्ड्स हैं, क्योंकि यहां पर रेड डॉट का निशान है जो कि इंडिकेट करता है मैंडेटरी फील्ड्स को, तो वे इसे नहीं भरे बिना भी छोड़ नहीं सकते थे। तो इसको लेकर सभी लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं और कंफ्यूजन्स और क्वेरीज थी। जिन्होंने इन फील्ड्स को सही सही भरा था उनके मन में भी बहुत दुविधा थी कि ये फील्ड्स एक बार लास्ट टाइम भरने के बाद फिर से क्यों भरी जाए, कहीं वे सही भरे हैं कि नहीं। और जिन्होंने नहीं भरा था, जिन्होंने 00 डाल के इस फील्ड को छोड़ दिया था, उनके मन में भी दुविधा थी कि ये दो फील्ड्स में हमें अमाउंट भरना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 00 अमाउंट फिल करके इसे सेव कर दिया था। फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जब जीएसटी वन फाइल किया गया था फर्स्ट टाइम, तो वहां पर जब एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का और एग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून 2017 का दोनों फील्ड्स में बैठाया गया था, तो वहां पर यह भी बताया गया था कि ये दोनों फील्ड्स में जो अमाउंट फिल करने हैं वो वन टाइम एक्टिविटी है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये दोनों डेटा ऑटो पॉपुलेट होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि अप्रैल 2018 के लिए जब फर्स्ट टाइम जीएसटी वन फाइल किया जा रहा था, तो ये दोनों फील्ड्स अपीयर हुई और ये दोनों फील्ड्स ब्लैंक थी जिसमें अमाउंट फिल करने थे, और इन दोनों फील्ड्स में क्या अमाउंट फिल करना था और किस पीरियड का अमाउंट फिल करना था, इसको लेकर जीएसटी टैक्स पेयर्स और जीएसटी रिटर्न फाइलर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन्स थे। और अब ये दोनों फील्ड्स में जो एग्रीगेट टर्नओवर को फिल करने का जो कंफ्यूजन्स, क्वेरीज और झंझट था, वो अब हो चुका है खत्म। अब फ्रेंड्स, ये झंझट किस प्रकार से खत्म हुआ, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने जीएसटी वन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 फॉर द रिटर्न पीरियड जून ओपन किया हुआ है, और अब यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर्स और एग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून 2017 से रिलेटेड, ये दोनों ही फील्ड्स यहाँ से हटा दी गई हैं जीएसटी नेटवर्क द्वारा। जीएसटी वन के फाइलिंग के दौरान यह अपडेट किया गया है, जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स और क्वेरीज थी और लोग बहुत परेशान थे, और अब उन्हें जीएसटी वन में प्रीसीडिंग ईयर से रिलेटेड टर्नओवर डालने की इन दोनों फील्ड्स को लेकर और परेशान होने की या फिर और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों फील्ड्स अब यहाँ से पूरी तरह से हटा ली गई हैं। और ये तो थी फ्रेंड्स जीएसटी वन 2018-19 के लिए रिटर्न पीरियड जून के लिए। ये मंथली रिटर्न है, इसका हमने आपको फॉर्मेट दिखाया है यहाँ पर, एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड ये दोनों फील्ड्स को हटा लिया गया है। और अब फ्रेंड्स, हम आपको यहीं पर जीएसटी वन जो हमने फिल किया है मंथली फॉर्मेट में अप्रैल मंथ के लिए, तो चलिए देखते हैं उसे भी। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने अभी जीएसटी वन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 फॉर रिटर्न पीरियड अप्रैल ओपन किया हुआ है और इस रिटर्न पीरियड का हमने जीएसटी वन ऑलरेडी फाइल कर दिया था, जिसका स्टेटस अभी फाइल दिखा रहा है। और यहाँ पर से भी जो एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड दो फील्ड्स थी, उन दोनों फील्ड्स को यहाँ से हटा लिया गया है। और वहीं पर फ्रेंड्स, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए जुलाई मंथ का रिटर्न फाइलिंग पीरियड ओपन करते हैं और वहां पर जीएसटी वन को देखते हैं, तो आने वाले जुलाई मंथ के लिए भी जीएसटी वन में जो प्रीसीडिंग ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड ये दो फील्ड्स थी, ये दोनों फील्ड्स को हटा लिया गया है पूरी तरह से। और यही नहीं फ्रेंड्स, हम किसी ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर का जो कि जीएसटी वन की फाइलिंग क्वार्टरली मोड में करते हैं, उनका भी अगर हम जून क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइलिंग पीरियड को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं जीएसटी वन के रिटर्न को ओपन करके, तो 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर द रिटर्न पीरियड जून 2018 के लिए रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पर से भी प्रीसीडिंग ईयर से रिलेटेड एग्रीगेट टर्नओवर की दोनों फील्ड्स को हटा लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब यह हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रीसीडिंग ईयर से रिलेटेड एग्रीगेट टर्नओवर की दो फील्ड्स थी, अब उसे हटा लेने से जीएसटी टैक्स पेयर्स और जीएसटी रिटर्न फाइलर्स के मन में जो भी दुविधाएं, कंफ्यूजन्स और समस्याएं थी, वे सभी खत्म हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसे हमने आपके साथ शेयर करना सही समझा। और हम उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से और लोगों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट और हेल्पफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।